सो फ्रेंड्स, अभी तक बिजलू ऊपर छत में था क्योंकि बारिश आने लग गई है, इसलिए बिजलू महाराज पहुंच गए हैं घर के अंदर। और देखो, ये मांग रहा है विस्कास। प्लेट ऊपर रखी हुई है लेकिन उसको दिया नीचे जा रहा है। और विस्कास के अलावा देखना, उसने कुछ नहीं खाना है। वो नमकीन दे रखी है, नमकीन भी नहीं खाएगा। म्याऊ, बस बस बस, एक छोड़ दिया तूने। बिजलू दूध दे दो, मुझको दूध दे दो। म्याऊ म्याऊ, दूध दे दो। अरे ऐसे नहीं पकड़ते हैं बिल्लियों को कभी भी। आऊ, चल आ जा, आ दूध पिएगा, आ जा। चलो 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 चलो, देखना ये सीधा किचन में जाएगा। चलो आ जाओ आ जाओ। हाँ ये देखो, दे दो उसको दूध डायरेक्ट किचन में। ये कौन है, ये कौन है? ये गांधी जी का चेला है। ये दिखाई नहीं दे रही इसकी शक्ल, कौन है? गांधी जी का चेला। कौन है भाई, कौन है? तीन बिस्किट देखो, अभी इसके जगह रोटी खा रहा होता तो रोटी खाता, इसके जगह तो कैसा लगता? तीन तीन रोटी एक साथ गई, किसी ने कही है कमेंट करके बोलना। तो ये देखो रुद्र के हालत ऐसी गर्म से। और दूसरा व्यक्ति यहाँ है, ये दोनों भाई एक जैसे खाएंगे पिएंगे खेलेंगे कूदेंगे मोबाइल लेके। सो फ्रेंड्स, 9 बज चुके हैं सुबह के और बिजलू का भी ब्रेकफास्ट हो गया है और हम लोगों का भी ब्रेकफास्ट हो गया है। तो हम लोग आ चुके हैं घर के बाहर क्योंकि अभी मौसम ठीक हो रहा है, बिकॉज बारिश हो रही है। बारिश बूंदाबांदी टाइप की, बहुत तेज बारिश नहीं हो रही है। कल तो हुई नहीं बारिश, मौसम बना, दो तीन बूंदे बांदी पड़े, उसके बाद बारिश हुई नहीं। और अब यहाँ पर मैं और बिजलू बैठे हुए क्योंकि थोड़ा सही लग रहा है। ये देखो लूसी भी आ गई। हाँ लूसी, ओ वहाँ पर बैठेगा लूसी। बिजलू भाग गया, लेकिन जब भी लूसी आती है इसको खाना जरूर देते हैं हम लोग क्योंकि लूसी अच्छी है। लूसी खा ले खाना, खा ले। हाँ, और देखो यहाँ पे विराट बैठ गया है क्योंकि बारिश हो रही है, इसीलिए बारिश से बचने के लिए ऊपर आ रहा है लूसी। लूसी यहाँ कहाँ बैठेगा तू? यहाँ पर बारिश से बचने के लिए आ गया है लूसी, तू यहाँ बैठेगा? ले भाई, ये तो चमत्कार हो गया है। खाना खाने के टाइम पर ये पढ़ाई कर रहा है क्योंकि अब खाना खाने के लिए तो 5 मिनट बाद उठना ही है, इसीलिए किताब लेकर के बैठ गया है। ये देखो पढ़ाई पर लगा हुआ है भाई, पढ़ाई चल रही है इसकी। अब ये लिखना। और तू क्या कर रहा है? ये पहले से कर रहा था पढ़ाई, अब इसका रेस्ट टाइम चल रहा है और इसकी बारी आ गई है पढ़ाई करने की। पहले ये लोग एक साथ में पढ़ाई नहीं करते, बारी बारी से करते हैं। ये देखो अब इसका पढ़ाई करने का तरीका पूरा लेट गया है अंदर, तो क्योंकि बार बार लाइट आ रही है जा रही है तो उमस भरा लग रहा है मौसम, इसीलिए यहाँ पर थोड़ा ठीक हो रहा है गैलरी में। तो ये गैलरी में लोट पोट होकर के पढ़ाई कर रहा है। ये हमारा बिजलू, इसके लिए मैंने यहाँ पर चेयर रख दी, वरना मम्मी ने यहाँ से चेयर हटा रखी थी। मैं अपने रूम से ले आई इसके लिए चेयर यहाँ पर, क्योंकि मुझे मालूम है बिजलू को यहाँ पर चेयर में सोना बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने फिर से इसके लिए यहाँ पर बना दी है जगह। और देखो कितना रिलैक्स होकर के सो रहा है बिजलू। सो फ्रेंड्स, इस समय बज रहे हैं दोपहर के 1:30 और हम लोगों का हो चुका है लंच तैयार। और आज लंच में बना रखी है मिक्स दाल। मुझे लगा था ये कुछ राजमा या छोले टाइप का बना रही है, बट बाद में देखा तो ये तो मिक्स दाल निकली। तो इसमें राजमा चलना है ना, तो मूंग की दाल डाल रखी है मैंने। अच्छा, क्योंकि जल्दी सीटी लगा रही थी ना तो मुझे ऐसी लगा कि क्या पता आज छोले मिल रहे हो खाने के लिए। तो यहाँ से 2 पर्सन मिसिंग है, एक छोटी दी और रुद्र।
तो जब तक वो लोग आते हैं यहाँ पर दीदी सबके लिए सर्व कर रहे खाना और हम लोग भी स्टार्ट करेंगे अपना लंच। सो फ्रेंड्स, इस समय हो चुके हैं 4:30 और यहाँ पर तैयारी चल रही है मैंगो शेक बनाने की, क्योंकि आ गए हैं आज सुबह आम ही आम, वो भी ताजा ताजा बिल्कुल फ्रेश आम आ रखे हैं पेड़ और से तोड़ कर लाए हैं। और ये बन रहा है आज इसकी डिमांड पे, विराट को मैंगो शेक चाहिए था तो ये कब से जब से आम देखे थे सुबह तब से कह रहा था मौसी मैंगो शेक बना दो, पीना है तुझे मैंगो शेक। इसके देखो पत्तीसों कैसे दिखा रहा है। लो भाई रेडी है मैंगो शेक, एक बार फिर से बनाना पड़ेगा बिकॉज इन लोगों ने तो पीना है बहुत सारा है क्योंकि इनकी डिमांड है तो, और एक ही बार में इतना बन नहीं पाएगा इसीलिए दोबारा से बनाया जा रहा है। बिजलू मैंगो शेक पिएगा, मैंगो शेक बन रहा है। तो इतनी तेज धूप में छत में क्यों चला गया था उठकर? चलो कोई बात नहीं, तू रेस्ट कर, जब दूध वगैरह पीना होगा तो बताना। हाँ हम आऊँ? देखा बोला बिजलू ने, ये मेरा टॉकिंग बिजलू है। कौन करा दोनों में से ऐसा कार्य, किसने छोड़ा नल खुला? ये छोटे ने, मैं तो अभी अपना ऑफिस का काम कर रहा हूँ। ये देखो इतना छोटा और ऑफिशियल वर्क चल रहा है, वाह। और ऑफिस वर्क कौन सा है? गेम का, फ्री फायर। रुद्र तेरा कोई काम नहीं है? नहीं, तो खाने पीने का है। अच्छा बस तेरा खाने पीने का काम है। ये देखो ये समझदार है, इसको मालूम है कि काम नहीं करना है। लो भाई चलो रेडी हो जाओ, एक एक करके अपने अपने ग्लासेस। दो नहीं एक मम्मी, ओए दो दो कहाँ ले जा रहे हो तुम लोग? ये मेरे लिए, वो हेमा दीदी के लिए। विराट दो लेकर के जा चुका है, दे दिया मम्मी को। तो फ्रेंड्स इन दोनों बच्चों को बहुत बेसब्री से इंतजार था मैंगो शेक का और फाइनली बन गया और यहाँ पर बैठ करके कितना मस्त तरीके से आनंद लेते हुए ये लोग पी रहे हैं मैंगो शेक। और उसको देखो ये पक्का गिराएगा, ये ड्रामेबाज है। ये अगर तुरा गिरा तो फिर पिटाई भी खाएगा। म्याऊ क्यों नहीं खा रहा है? बिस्कस दिया है, नमकीन दिया है, दूध दिया है, सब तेरा फेवरेट चीज है। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने पिया मैंगो शेक और बिजलू के लिए है यहाँ पर विस्कस और दूध, नमकीन नहीं खाएगा ये। हाँ देखा दूध भी छोड़ दिया, जा रहा है। हो गया माऊ तेरा जाने का टाइम। माऊ धूप हो रही है बाहर, ऐसे चला जाएगा? ये दोनों भी आ गए बाहर मैंगो शेक पी करके बिजलू का साथ देने के लिए। बिजलू मुंह हाथ धो रहा है, घूमने जाने से पहले मुंह हाथ धोएगा बिजलू। सो फ्रेंड्स इस समय हो रहे हैं 6:30 और आ गए हम लोग घर के बाहर, पानी वगैरह सब भर लिया है और अब तैयारी चल रही है पाइप को ऊपर छत में रखने की। और लूसी भी आकर के बैठ रखी है यहाँ पे, जिस तरीके से मम्मी रोल कर देते हैं पाइप को उस तरीके से करने की कोशिश की जा रही है लेकिन मम्मी की तरह नहीं कर पाते हैं, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो ही जाती है। और वैसे भी रोल क्यों कर रही है, ये तो ऊपर रखना है। तो मैं अभी अभी फिलहाल के लिए रखता हूं, बाद में फिर ऊपर खींचूंगी। तो इतनी मेहनत, अभी रोल कर दे रही है फिर बाद में रखेंगे ऊपर छत में, फिलहाल नहीं रख रहे हैं पाइप ऊपर छत में। वो भी इसीलिए क्योंकि आधा पाइप तो ऊपर छत को जा रहा है।
और फ्रेंड्स हम लोगों का बिजलू भी चला गया है घूमने के लिए, क्योंकि आज मौसम थोड़ा ठीक है। फ्रेंड्स इस समय बजने वाले हैं रात के 9 और रेडी हो चुका है हम लोगों का डिनर। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग भी करेंगे अपना डिनर और मैं करूंगी अपना आज का ब्लॉग है प्री क्लोज। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स एंड शॉर्ट्स पसंद आ रहे होंगे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे ब्लॉग्स एंड शॉर्ट्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स मेरे ब्लॉग्स रोज शाम को 7:30 पे आएंगे, तो कीप वॉचिंग। मिलते हैं बहुत जल्द कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।